गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 4 आर हिस्ट्री। इसमें हम हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हमारा इतिहास। इसमें कुछ डायनेस्टीज़ हैं, कुछ साम्राज्य हैं इंडिया के, वो हम पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर 13। इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स विद मैनी डायनेस्टीज़ बींग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। हमारा जो भारतीय इतिहास है वो बहुत ही अच्छा और अलग अलग डायनेस्टीज़ थी उसमें। ईच डायनेस्टी अंडर द गवर्नेंस ऑफ सेवरल किंग्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। हर जो साम्राज्य है उसने अपने राजाओं के अंडर में बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब हम कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनके रूल करने से पहले इंडिया पे रूल किया था, शासन किया था। सबसे पहले है मौर्यन डायनेस्टी। ये 322 से 185 BCE बिफोर कॉमन एरा, ये आप पढ़ चुके हैं, इस तक थी मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य। इंडिया वॉज यूनाइटेड एज अ लार्ज स्टेट अंडर द मौर्यन डायनेस्टी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यह नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक फैला, कहाँ तक, हिमालय से लेकर स्टेट ऑफ असम तक। टुवर्ड्स द वेस्ट इट रीच्ड बियॉन्ड पाकिस्तान टू व्हाट इज़ नाउ अफगानिस्तान। वेस्ट में यह पाकिस्तान तक के आगे गया, जो कि अब क्या है, अफगानिस्तान है जहाँ पर। मौर्य डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य ने प्लेड अ पिवटल रोल इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। चाणक्य ने इसके एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया। अशोक जो थे वो फेमस किंग थे मौर्य डायनेस्टी के, और उनके राज्य में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए अपने राज्य में। लेकिन उनकी डेथ के बाद इस एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा, मतलब ये साम्राज्य गिरने लग गया, धीरे धीरे डाउन होता गया। अर्थशास्त्र एंड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर द हाईलाइट्स ऑफ रिटन लिटरेचर ऑफ दैट टाइम। अर्थशास्त्र और एडिक्ट्स ऑफ अशोका ये उस टाइम के रिटन लिटरेचर थे। फिर है गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद क्या आई? गुप्ता डायनेस्टी 320 से 550 CE कॉमन एरा। गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीयूनाइट हुए। ये पीरियड क्या कहलाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये इंडिया की गोल्डन एज थी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द गुप्ताज, मतलब शांति फैलाई गई उनके द्वारा इंडिया में। द फिलोसॉफी ऑफ हिंदू कल्चर टूक शेप ड्यूरिंग दिस टाइम। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकेंड और सम ऑफ द फेमस गुप्ता रूलर्स। इनके बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट जो 6th क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। अभी आपको छोटा छोटा बताया गया है कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी। तो सबसे पहली थी मौर्य, फिर गुप्ता। मौर्य के फेमस किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था। चाणक्य ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, और अशोका जो थे वो बहुत अच्छे किंग थे। गुप्ता डायनेस्टी के कौन कौन से किंग थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। अब है चोला डायनेस्टी। चोला एस्टेब्लिश द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एम्पायर बनाया इन्होंने। अंडर राज राजा चोला फर्स्ट एंड हिज सब्सिक्वेंट सक्सेसर्स, दे सक्सीडेड इन बिकमिंग मिलिट्रली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली अ मेजर पावर टू रिकॉन विद इन साउथ एशिया। राजा चोला फर्स्ट और उनके जो सक्सेसर्स थे, उनके जो वारिस थे बाद में, जो एक एक करके राजा बने, उनके राज्य में साउथ एशिया में बहुत अच्छी अच्छी कल्चरली इकोनॉमिकली साउथ एशिया ने बहुत प्रोग्रेस की। मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स इन स्टोन एंड ब्रोंज वर द फाइनेस्ट सीन टिल डेट। अभी तक भी इन्होंने जो भी मंदिर बनाए, जो भी बिल्डिंग्स बनाई स्टोन्स की, ब्रॉन्ज की, वो अभी भी बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल डायनेस्टी हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको यहाँ तक पढ़ना है खुद से, ठीक है।